गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं फिर से आ गई आपके सामने एक नया वीडियो लेके। गाइस, मैंने इतने दिन से ब्लॉगिंग भी नहीं की थी क्योंकि मेरा फ़ोन चोरी हो गया था। तो फ़ोन चोरी होने का मतलब आप समझ सकते हो कि मुझे कितनी प्रॉब्लम हुई थी गाइस, कि मैं बहुत टेंशन में थी। लेकिन बहुत अच्छा कोई इंसान था जिसने मेरा फ़ोन लिया था, उसने खुद से फ़ोन करके मुझे वापस कर दिया, तो मैं बहुत हैप्पी हूँ। सो आज हम नया वीडियो बना रहे हैं। मैं जा रही हूँ एक गांव की पार्टी में, तो वहाँ का मैं आपको माहौल दिखाऊंगी और देखते हैं वहाँ क्या होता है। आगे सब कुछ मैं आपको दिखाती हूँ। मैं रेडी हो चुकी हूँ निकलने के लिए, बस गाड़ी आने वाली है और हम निकलते हैं। सो आगे, जैसे कि मैंने कहा था कि सब लोग आ रहे हैं, तो आ गए हैं सारे लोग, हम निकलने वाले हैं। लोग आ गए हैं और ये रही हमारी गाड़ी रेडी है और हम इसमें अब बैठने वाले हैं। सो आगे दिखाएंगे आगे का हाल। सो गाइस, चलो गाइस, हम निकल चुके हैं घर से। ये देखिए, ये रास्ता है और रास्ते में है बाइक। सो हम जा रहे हैं। तो गाइस, हमने रास्ता बताया था कम और बहुत दूर है, अभी हम रास्ते में पहुंचे नहीं है। ये देखो सब लोग, मनोज आप तो कुछ बोल लो, सब यूट्यूबर हो रहे हैं। कैसा लग रहा है तुम्हें? मुझे अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा नहीं आ रहा, बोर हो गए हैं गाड़ी में। ऐसा हो रहा है जल्दी से आए वो गांव और जल्दी पहुंचे हम। यहाँ शॉपिंग करने की जगह भी है, तो हम यहाँ देखते हैं कुछ चुन्नियाँ हैं यहाँ पर। सो देखते हैं, देखिए यहाँ आगरा में पता नहीं कौन सी मधुनगर मार्केट है, तो यहाँ पर यहाँ की ये मार्केट है, रोड पर लगी हुई है। तो रास्ते में बोर होते होते यहाँ रुके और यहाँ कर रहे हैं हम थोड़ी सी शॉपिंग। दुपट्टे की, तो ये वाला मैंने लिया है। कितने का है ये? 150 के दो हैं ये, तो मैंने ये पसंद किया, ये करके ले लिया है। ये है चीनी के पॉट गमले, यहाँ बहुत सारी क्वांटिटी में है ये। यहाँ अच्छी खासी शॉप है इसकी, जहाँ यहाँ हम रुके हैं यही सब देख रहे हैं। अच्छा लगा तो शॉपिंग भी कर लेंगे। तो ये आगरा की मार्केट है, यहाँ ये चीनी के पॉट मिलते हैं। गाइस देखिए, हम सब लोग शॉपिंग कर चुके हैं, अब हम चल रहे हैं। तो अब हम गाड़ी की तरफ चल रहे हैं, दोबारा से अपनी स्टार्ट करते हैं यात्रा, जहां हम जा रहे हैं, जहां का हम हाल दिखाने वाले हैं आपको। फिर देखिए सब कैसे हंसती हुई आ रही है। यहां का ये हमारी गाड़ी खड़ी है और गाड़ी के ये हैं हीरो, ये गाड़ी लेके आए हैं हीरो। ये देखो इनकी स्माइल कितनी प्यारी लग रही है। दोबारा, ये है मेरा गांव में और ये गांव की एंट्री हो चुकी है। ये नहर है गांव की, कुछ तो आ चुके हैं, मतलब कि इतनी देर से हम चले हैं कहीं तो पहुंच चुके हैं, मतलब कि एंट्री हो गई है। अभी जहां हम पहुंचेंगे वहां दिखाएंगे। ये देखिए ये आलू की खेती है गांव में। हमारी एंट्री हो चुकी है, बस 5 मिनट में हम उतरने वाले हैं यहाँ से। और मैं ये खेत दिखा रही हूँ आपको, आलू के हैं, इसमें आलू की खेती हो चुकी है। ये देखिए किस तरीके से आलू उगता है। हम भैया उतर गए यहाँ से। ये है गांव जहाँ की हम वीडियो आपको दिखाने वाले हैं। ये देखिए छोटे बच्चे स्कूल से आए हैं। ये देखिए स्कूल की यूनिफॉर्म। हेलो, आ जाओ। ये है गांव और आ चुके हैं हम यहाँ पुए खाने, पुए खाएंगे। ये बहू है हमारे यहाँ की। हालो,
हाय दी, कैसा है? बहुत बढ़िया। आपको अच्छा लग रहा है? हाँ हाँ। ये देखिए, ये मेरी बहन है, इसे कभी मैं मॉडल रूप में भी दिखाऊंगी आपको। अब ये बहू बनी दिख रही है आपको। ये देखिए गाइस, गांव के घर, मिट्टी का घर, और ये है ना मिट्टी का चूल्हा। यहाँ का है ये माहौल, ये देखिए थोड़ा। ये बहुत पुराने जमाने की अलमारी है, मेरे को बहुत अच्छी लग रही है, बहुत टाइम बाद देख रही हूँ। ये बच्चे ऊपर जा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। अगर कुछ नया हो गया, चेंज हो गया। देखिए गाइस, दीवार गोबर से बनी हुई है, जिन्हें आप लोग भूलते जा रहे हैं। बहुत अच्छा लगा है। ये है झोपड़ी, बहुत अच्छी। ये बकरी का बेबी है, ये गाय है, ये भैंस है, ये ही सब गांव है। इसे ही बोलते हैं हमारा गांव। ये देखो गेहूं सूख रहे हैं, ये शुद्ध खाना। हमारे शहरों में कहाँ है ये सब चीजें। यहाँ पे बहुत गेहूँ है, ये धोकर इन्होंने सुखाए हैं। इसकी रोटी बनेगी टेस्टी टेस्टी, और कोई भी बीमारी नहीं होगी। तो बच्चों, ये किसने धोए? किसने धोए? इन्होंने धोए हैं। गेहूँ धोने का क्या फायदा है पता है कुछ? आपको पता है? नहीं नहीं रहा है, गंदी गंदगी निकल जाती है, इसमें यूरिया लगा रहता है, वो भी निकल जाता है। तो गाँव के लोग शुद्ध भोजन खाते हैं। So, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यार, ये सभी लोग हैं। अब हम निकल आए हैं गांव घूमने। तो ये यहाँ का माहौल है, ये देखिए। और यहाँ ये क्या है, किस जगह पर है? ये टकरारी में एक स्कूल है सरकारी, वहाँ पे आए हुए हैं घूमने के लिए। ये टकरारी का स्कूल है सरकारी, और हम वहाँ घूमने आए हैं, और घुमाने वाला है आकर, और घुमाने वाले ये हमें गाइड कर रहे हैं। सो यहाँ की सारी चीजें बता रहे हैं, और हम घूम रहे हैं। अच्छा लग रहा है, थोड़ा एंजॉय हो रहा है, घर से बाहर निकले, थोड़ा माहौल भी चेंज हुआ है। तो हमने पुए वगैरह तो सब खा लिए थे, अब हम सोचे चलो थोड़ा पचा कर आते हैं। तो हम यहाँ घूमने निकले हैं। ये देखिए, ये बच्चे वहाँ पार्क के अंदर झूले लगे हुए हैं, ये सब लोग एंजॉय। तो हम खेत घूम चुके हैं, अब हम वापसी कर रहे हैं घर के लिए, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो गया है और हमें घर पहुंचने में भी टाइम लगेगा। तो मेरे ख्याल से टाइम हो रहा है 3 बज रहे हैं, और अब हम यहाँ से सब कुछ देख चुके हैं, खेत भी घूम चुके हैं, खाना पीना भी हो चुका है। सो अब हम घर के लिए निकल रहे हैं। तो रास्ते में और थोड़ा सा कुछ दिखाएंगे हम आपको। हो गई है हमारी पैकिंग, और हम निकल रहे हैं घर के लिए। तो यही था हमारा गांव का ट्रिप, और जो हो गया है अब पूरा, क्योंकि अब हम थक चुके हैं बहुत। सो हम जा रहे हैं, बाय। ये देखिए, ये लंदन की फूस है, हम जा हुए आए हैं। ये देखो, हाँ दीदी, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर, दिल खुश हो गया बहुत। तो अब हो रहे हैं हम यहाँ से रवाना, यही का था हमारा ट्रिप।
अब हमने पुए भी खा लिए, खेत भी देख लिया, गांव भी देख लिया। सो आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, बहुत टाइम बाद बनाई है। सो लोग गाइस लाइक करना जरूर, लाइक करना, शेयर करना। हाँ, किसको शेयर करना तुम्हें? मुझे भी करना, सबको शेयर करना।